अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? आज लाइव आए हैं। लाइव इसलिए आए हैं कि फातिहा पढ़नी थी, इज्तमाई। सब मिलके ना फातिहा पढ़ लें। और एक चीज़, ये आप सब जो बैठे हैं यहाँ पे, जज करना है कर लें नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, बट अल्लाह की ज़ात इंसाफ करने वाली है। दुनिया यूट्यूब से भर के अजीज़ नहीं है, मुझे आखिरत मुझे ज़्यादा अजीज़ है, ये सब कुछ नहीं। ये मेरी बहन बैठी है मेरे साथ, और मैं इसके अगेंस्ट गया। मैं लाइव आके बोला कि सुना देता हूँ। मेरे सामने ना शर्तें रखी जाती थीं कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाओ, फिर हैदराबाद से बारात निकलेगी। ऐसा क्यों भाई, मैं फैमिली के अगेंस्ट वीडियो क्यों बनाऊं? मुझे ये कहा जाता था। वो मुझे अब समझ आई, मुझसे वीडियोस इसलिए बनवाई जाती थी क्योंकि मैं अंबर को रमजान के दिनों में पहली तलाक देने से पहले कहता था, अंबर मुझे लगता है छोड़ जाओगी, नहीं नहीं अंबर, पता नहीं क्यों बातों से लगता है छोड़ने वाली है मुझे। नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगी अंबर, मुझे लगता है कि छोड़ने वाली हो। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई क्लियर हो गया, मुझे क्लियर हो गया कि इन्होंने वाकई मुझे छोड़ना था, और ये वीडियोस इसलिए मुझसे बनवा रहे थे ताकि कल को नए रिश्ते वालों को दिखाते कि ये देखे जी, लड़के ने तो खुद माना है कि लड़के की बहनें तेज हैं इसलिए हमने रिश्ता तोड़ा। ये थोड़ा सा डेमो सुनाता हूं। अपना घर तबाह कह रही हो? अच्छा, मतलब अगर मैं उसके खिलाफ कोई बात करती हूँ तो आप घर तबाह कर देंगे? ये तो गलत बातें हैं। मैं सुबह डेमो है, इस पूरी फैमिली को कह रहा हूँ। मैंने अंबर बोला था, जब कहती थी ना, मैंने एक स्टोरी लगाई है और देखो लोगों ने कितना अच्छा रिस्पांस दिया। अम्मी की एक लाइव में देखो लोगों ने कितना अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने तब भी वार्न किया था, अंबर ना कर, रिश्ता बचा अंबर। मैं तब कहता था अंबर ना कर, रिश्ता बचा अंबर। ये ना उस दिन मैं आके सच बता दूं, मेरा कोई चैनल नहीं है, बट मैं आ जाऊंगा चैनल पे। मैंने एक दफा देखना है कि ये YouTube पे आने की ताकत क्या होती है, ऐसी क्या चीज है कि YouTube बीवी को हावन से दूर होने का कर देता है। फाइनल ये है कि अब हमारे खानदान में ये है कि नहीं छोड़ते, तलाक नहीं देते, बट मैंने अंबर नाज ऑफिशियल साहिबा को तलाक इसलिए दी थी कि वो ये मेरी इस बहन को गालियां दे रही थी, और जो लाइव यूट्यूब पे भरी है जिसमें अंबर मानी है खामोश हो गई थी। जो लोग झूठे बोल रहे हैं, अल्लाह करे तुम सबके घर में सेम ऐसी सिचुएशन चले, आमीन। इंसाफ करो पहले, बाद में जज करो। कल ये वीडियोस देख रही हैं, मूवीज देख रही हैं, घूम फिर रही हैं। मैं पागल हूं, मेरे में कमी है किस चीज की? जिनको ये लगता है कि अंबर की पहले शादी नहीं हुई थी,
मैं लड़का होके कहां कहां सेक्रीफाइस किया वो मुझे पता है, मैंने कहां कहां पे सेक्रीफाइस किए ये मैं जानता हूं, और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं लड़का होके, मेरे में तो किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी शादी, निकाह, निकाह मना किया था मैंने, बचा लो रिश्ता, मना किया था मैंने, बचा लो रिश्ता, कहा था मैंने रिश्ता बचाओ, ये अंबर नहीं है, लो स्क्रीनशॉट अगर लेने हैं। मेरे पे कोई दाग नहीं था, मेरे पे कोई दाग नहीं था, मैं क्यों भीख मांग रहा था, क्योंकि मैंने रिश्ता बचाना था। निकाह का सबूत क्यामत वाले दिन तुम सबको दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की, इसकी इसका जो फियांसे था ना, शेख साहब, शेख साहब, मेरे पास वो भी प्रूव है, उसको मैसेज कर करके 2 साल घर बुलाती रही है, 2 साल। मैं तो निकाह में था ना, खत्म हो गया, बस खत्म खत्म। मेरे में क्या था, मेरे में क्या कमी थी, मुझे इन्होंने ऐसे ट्रीट किया, क्या लूला लंग रहा था मैं, मेरी, मैंने जो स्टेटमेंट दी थी ना लाइव आके कि मेरी बहनों ने घर तुड़वाया है, और इनके कहने पे बोला था मैंने, क्योंकि एक दिन पहले शबाना आंटी के लिए बोला था मैंने, मुझे आगे ऑप्शन रखी गई, अब अपनी बहन के बारे में बोलोगे तो बात होगी आगे, इन लोगों के कहने पे बोला था मैंने। अगर मुझे ड्रामेबाज कह रहे हो तो यार थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं ड्रामेबाज हूं तो मैं क्यों कल तक घर बचा रहा था अपना, खुदा के ख्याल करो सोचो, अगर मैं ड्रामेबाज था मैं अपने भाई को कहती रह गई कि निकाह है ना कोई बात नहीं, मोहसिन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, किसी की बेटी है, निकाह है, मंगनी है, 2 निकाह है, कोई बात नहीं, अब वो तुम्हारी इज्जत है, अब वो हमारे घर की इज्जत है, अब हमने कभी उसको नहीं बोलना कि तुम्हारा 2 निकाह थे, तुम्हारे 1 निकाह थे। और सबर 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 ही हम करते गए, हर वक्त मेरे पीछे, हर वक्त मुझे गालियां देना, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना, लेकिन मैं बर्दाश्त, सिर्फ बर्दाश्त करती रही। 4 साल पहले इस लड़की का पहला निकाह हुआ था, 4 साल पहले हमें पता लग गया था, निकाह से एक दिन पहले पता लग गया था। मैंने क्या बोला था, किसी की बच्ची है, अगर वहां पे कोई आया तमाशा लगाने तो मोहसिन क्या करना है, आगे खड़े होने। मुझे निकास, इनके घर वालों को पतंगों को कुरान उठा के हर बात करें, मुझे आंटी ने कहा था बेटा मैसेजेस आएंगे लोगों की जवाब ना देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी बहन सामने बैठी है, इसकी इज्जत की कसम। मुझे अंबर ने कहा था आप लोगों के ना मैसेज ओपन ही ना करें, मैसेज ओपन ही ना करें, इग्नोर किया करें, आप इनबॉक्स में जाए ना, मैं कहा बेफिक्र हो, इनको यूट्यूब की अकर है। अब मैं सुनाता हूं, इनको यूट्यूब की अकर है, जंग का पुतला लड़ूंगी, कह दो ये भी एडिट है।
कुछ नहीं हो जाना इससे, अपना घर तबाह कह रही हो। अच्छा मतलब अगर मैं उसके खिलाफ कोई बात करती हूँ तो आप। अब एक और चीज सुनाता हूँ, खामोश हो जाओ। मेरी आज एक स्टोरी पे लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है ना, मुझे लोग इसका मुंह बंद कराएंगे, ये मीडिया पर आके करती है ना शोर मचाती है, अब मीडिया वाले इसको बताएंगे। लानत तुम सब पे, लानत तुम सब पे जो के यहाँ पे हमें झूठे झूठे बोल रहे हैं ये सुनने के बावजूद भी, उनका कसूर नहीं है। जो ये सुनने के बावजूद भी हम पे लानते भेज रहे इधर बैठ के, तुम लोग को ये सुन के भी समझ नहीं आ रहा कि वो लोग अपनी मीडिया पावर को कितना यूज कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं था, लेकिन लेकिन इतना यार, कल तक मैं कोशिश करता रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये वहां पे मूवीज है, आंटी अपनी बेटी को इज्जत पे बिठाएं, क्योंकि जब मेरे साथ निकाह किया था तब इज्जत पे नहीं बिठाया था आपने, अपनी बेटी से सवाल करे जाके कि मैंने ये बात क्यों बोली है। मेरे भाई ने मुझे बोला कि स्वीटी मैं तुम्हारा नाम लेने लगा हूं, मुझे अपना घर बचाना है, क्या मैं तुम्हारा नाम ले लूं? मैंने कहा ऐसा ना करो, मेरा क्या कसूर? इसने कहा एक दफा मुझे नाम लेने दो, मेरा घर बच जाएगा। मैं चुप हो गई और मैंने गुस्से से फोन काट दिया कि अगर बचता है घर तो बचे। तुम लोगों ने मुझे इतनी गालियां दी कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं अपने भाई से भी नाराज हुई कि तुमने अपना घर बचाने के लिए मुझे गंदा तो कर दी है, अब तुम्हारा घर बचना चाहिए। ज्यादा बात नहीं, अब छोटी बात, और वो छोटी बात ये है कि विमेन कार्ड्स प्ले किए गए हैं और वो इन्होंने खेल लिए। ये कोई फोटोशूट पिक नहीं है, ये कोई एडिटिंग नहीं की हुई, ये डिटेल में मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लगा दूंगी। इसकी इतनी गंदी गंदी तस्वीरें भी हमें मिली हैं, मुझे निकाह से तीसरे दिन ही मिल गई थी। वो मैं चैट शो करवाऊंगी लेकिन वो पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी, लेकिन किसी की इज्जत, किसी की मैं क्यों कहता था? सोचो यार, मैं कहता था घर बचाते हैं, रिश्ता बचाते हैं, अंबर आ घर बचाते हैं। अंबर को मैंने कुछ मैसेजेस किए, यकीन नहीं ना आ रहा। मैं एक चीज दिखाता हूं, ये वही लोग एक मिनट फितना फितना बोल रहे हैं जो निकाह के टाइम पे कह रहे थे कि कहां कर लिया। मैं पिछले चार ये देखो चैट, अगर तो समझ आ रही है नहीं आएगी स्क्रीनशॉट देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगाऊंगी। एक सेकंड, किसी तरह नजर आ जाए। नहीं आएगी नजर। मैं क्या बोल रहा हूं, जा माफ करता हूं, अभी मेरे निकाह में हो, हर चीज माफ करता हूं, मुझे मजबूर मत करो मैं अपने साथ कुछ गलत करूं। तुमने झूठ बोला, ये ना पढ़ना, जा माफ करता हूं। तुमने झूठा कुरान उठाया, वो भी माफ करता हूं, उसे तो फिर शादी के बाद भी माफी मांगी थी। मैं तो अभी भी निकाह में हूं, जिधर पहले निकाह हुए थे ना उनके दूसरे निकाहों पर उनको माफी के जो मैसेजेस ये भेजती रही है, मुबारक हो निकाह की, हो सके तो मुझे माफ करना। मेरे पास वो भी चैट है अंबर, उस दिन कहा था ये सब कुछ माफ कर रहा हूं, वापिस आ जा। किसी को इतना मत तर पाओ कि वो फट जाए, हर सही नजर आने वाला शख्स सही नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की, बेटी 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 और जाओ अल्लाह करे तुम सबको अंबर जैसी बेटी मिले, अल्लाह तुम सबको अंबर जैसी बेटी दे। अगर ऐसी बात है मुझे जो गालियां दे रहे हैं ना दे लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गालियां अंबर, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कितनी कोशिश की, मैंने ये रिश्ता बचाने के लिए इसके पापा के तरले किए, इसकी माँ के तरले किए, इसके भाइयों के तरले किए, किसी ने रापता नहीं किया,
किसी ने रब्ता नहीं किया, मर्द इससे ज्यादा क्या करे। अलग घर के घर ले देता हूं, लाहौर में नहीं आना, हैदराबाद आ जाओ नहीं आना। और इनका प्लान था, सुनो, लाहौर रिश्ता करने आए और इन्होंने कहा हम लाहौर में घर लेंगे। बाद में मुझे अंबर ने बताया, अंबर ने मुझे कहा मोहसिन लाहौर में घर नहीं ले रहे, क्यों? पापा का बिजनेस यहाँ पे है ना, इसका भाई मोहसिन लाहौर शिफ्ट होना चाह रहा है ना, इसका भाई तहसीन, सो नहीं ले रहे, हम सिंध साइड में शायद कहीं घर ले लें। ओके, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दाना फेंकना शुरू किया कि मेरा तो ड्रीम है मोहसिन मैं अपना घर बनाऊं। मैं कहा माशाल्लाह मेरे पास इतना बड़ा घर है, बेशक मेरे फादर का है बट कल को डिवाइड तो होता है, मेरा है, मेरा अच्छा बीच में बनता है। तो नहीं, मुझे तो वैसे ही शौक है, मुझे बड़ी एक अजीब सी बात खटकी। उसके बाद रिसेंट जो सारी सब कुछ हुआ है, कहा जा रहा है, मैंने कहा लाहौर आ जाओ, जो इन्होंने कहा ना जहाज पे बैठ के भेज दो जहाज पे, खुदा को जान देनी है, खुदा को जान देनी है। मैंने तब बोला था अंकल मैं सामान गाड़ी में रख के बैठा हूं, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, यहां तो यही ऑप्शन है, मैं हैदराबाद आ जाऊं या इसको जहाज पे बिठा के भेज दे, मैं इसके लिए घर छोड़ आया हूं, ये मुझे अभी भी कह रही है तुमने मेरे लिए किया क्या है, अंकल मैं इसके लिए घर छोड़ के आया हूं, अब और क्या करूं, या मैं हैदराबाद आ जाऊं या इसको जहाज पे बिठा के भेज दे। खुदा की कसम ये बात ऐसे की, ये बात पकड़ के बैठ के मैं कहा अंकल एग्जाम्पल दिया आप समझ रहे हैं, अंकल कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं, और भाई उसकी भी तो सुनो, वो कह रहा है एग्जाम्पल दिया है कि मैं घर से बाहर गाड़ी में सामान रख के करूं किधर जाऊं, और मेरी बीवी मुझे ताने मार रही है तुमने किया क्या अभी तक, तो उस बात पे वो बोल रहा है, उस बात पे वो बोल रहा है कि यहां तो इसको जहाज पे बिठा के भेज दो या मैं आ जाऊं। मुझे पता है रुखसतियां भी नहीं होती कि बेटी जहाज पे बिठा के भेज दे, मुझे जाना था लेने। आप सब बोल रहे अपने दोस्तों को लेके जाते, मैं अपने ब्लड रिलेशंस को लेके जाता चाहे वो कोई भी होते। तुम लोग अभी भी लिख रहे हो कि मैंने तलाक करवाई, ओए इसके इस बेचारी को मैंने जलील की है, क्योंकि मुझे अंबर ने लास्ट डे ये ऑप्शन दी। जब याद करो मैं लाइव आके बोलूं मैं कितना पागल हूं, मुझे लास्ट डे ऑप्शन दी, आओ अपनी बहन को एक्सपोज करो, वो वॉइस मैसेज फिर सुनाओ, अपनी बहन के खिलाफ वीडियो बनाओ, वो वॉइस मैसेज फिर सुनाओ और पूरा सुनाना, अपनी बहन के खिलाफ वीडियो बनाओ। मैं इस तलाक को और इस लड़की को समझाती, मैंने कहा अंबर वापिस आओगी वीडियो बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे पे खुदा की लानत, उसके मां बाप रात को सोए ना उठे। यहां भी लोग कह रहे कलमा पढ़ लेते हो, मां बाप को ऐसे कर लेते हो, कलमा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सच्चे हैं, क्योंकि सच्चे हैं, क्योंकि सच्चे हैं। दुनिया इतनी अजीज नहीं, यूट्यूब इतनी अजीज नहीं, तलाक उसको ही है, डिप्रेशन में मैं गई हूं। सुनो कुछ नहीं हो जाना इससे, अपना घर तबाह कर रही हो। अच्छा मतलब अगर मैं उसके खिलाफ कोई बात करती हूँ तो आप घर तबाह कर देंगे? ये तो गलत बातें हैं, मैं सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी पे फोकस रखो, खामोश हो जाओ। मेरी आज एक स्टोरी पे लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है ना, मुझे लोग इसका मुंह बंद कराएंगे, ये मीडिया पर आके करती है ना शोर मचाती है, अब मीडिया वाले इसको बताएंगे। हम तो फिर एक दफा रिश्ता खत्म कर देना ये सब कुछ करने से पहले, चलो ओके बाय, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये लो यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था अंबर, इनके झाके उतरे हुए हैं, एक मंगनी एक तलाक, अब ये दूसरी तलाक। मैंने इस लड़की, मैं लाइव आके बोलो, मुझे कह रही है लाइव आके बोलो, क्लियर करो, मैं आऊंगी। मुझे तुम बस मोहसिन इतना बताओ कि मैंने इसका बिगाड़ा क्या था, कभी तुझे तुम्हें बताया होगा कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैं इस लड़की के सदके वारी जा रही हूँ, मैंने क्या क्या कुछ नहीं सोचा हुआ था इसके लिए। ये सब्सक्राइबर्स उसकी माँ ने पैदा किए हैं जो जिन्होंने तुम्हें फॉलो कर लिया था। मैं तो इस लड़की से भी पहले की हूँ यूट्यूब पे,
मैं इस लड़की से भी पहले क्यों यूट्यूब पे, कि तू आई बाद में है, करती क्या है यूट्यूब पे, सारे सब्सक्राइबर तो माँ की साइड से हैं, मेरे तो पहले से सब्सक्राइबर्स थे। नाम मिलना एक अलग बात है, अंबर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, तुम तलाक तक पहुंच गई हो, तुमने तलाक ले ली, डिप्रेशन में मैं गई हूँ, 3 दिन से हॉस्पिटल में थी, तुम्हें शर्म नहीं, अभी जाकर मुझे हॉस्पिटल से लेकर आया ये लोग। वो निभाना ही नहीं चाहती, उसने जिंदगी में इतने मर्द देख लिए थे, उसको जरूरत ही नहीं। अब किसी जिस औरत ने जिंदगी में एक मर्द देखा हो ना अपने बाप के बाद, जो हामद होता है, वो उस हामद को कभी भी नहीं भूलती, पहले मर्द को वो कभी भी नहीं भूलती, वो पहले मर्द को कभी भी नहीं भूलती। मैं पहला नीना था इसलिए बहुत जल्दी भूल गई। और ये खुश होते कि भाई सब्सक्राइबर्स ने चलो स्वीटी को भी फॉलो कर लिया, इन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के तो नहीं ना फॉलो करवाए यार, जो लोग उनकी तरफ से आए हैं मेरे चैनल से चले जाएं, मुझे ये पलीतगी अपने चैनल पे नहीं चाहिए, जो शबाना उनकी तरफ से आए हैं ना वो मेरे चैनल से चले। मेरी माँ घर में खाना नहीं पका पा रही, मेरी माँ खड़ी नहीं हो पा रही, वो लोग सुर में आईलाइनर्स लगा के व्लॉग बना रहे हैं। मैं 3 दिन से भूखी हूँ, 3 दिन से, 3 दिन से भूखी हूँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं तो कह रही थी तलाक नहीं देनी, मामला खत्म नहीं करना। इन्हें के घर के बंदे ने बताया 2 दिन पहले मूवी देखकर आई है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, ये बात अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि अभी बहुत कुछ दिखाने वाला है। अब मैं आ गया हूं बीच में, अंबर वार्निंग देता था मैं, ना कर यार रिश्ता संभाल, आजा यार, एक लड़का एक लड़की को क्या प्रोटेक्शन दे कि मैं वो उसको ये कह देता है चलो निकलो पाकिस्तान से बाहर, इससे ज्यादा क्या प्रोटेक्शन दे, तो ये प्रोटेक्शन दे सकता था ना कि मैंने कहा मैं तुम्हें लेके पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, मेरा हौसला था, नहीं आएगा वो यहाँ पे, रहने दे, मेरा ये हौसला था, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था, मेरे नाक से खून बंद नहीं हुआ 3 दिन, बताओ इनको मेरी कंडीशन क्या रही है, और तुम लोगों को फर्क तक नहीं पड़ा, तुम लोग वो 5 साल से हैं यहाँ पे, उनकी इज्जत खराब ना करो भाई, हम भी दुनिया में बहुत सालों से हैं, उन्होंने YouTube पे इज्जत कमाई होगी, हमारे घर वालों की माशरे में इज्जत है। मैं तो अपने हावन के बगैर ससुराल में रही हूँ, जब मेरा हावन यूरोप में था, 2 साल मैंने अपने हावन के बगैर ससुराल में गुजारे। YouTube पे आके तमाशा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, YouTube पे आके इसलिए तमाशा लगा रहे हैं क्योंकि मेरी जिंदगी का तमाशा YouTube पे लगाया गया है, और हमने पैसा बचपन से देखा है, तुम लोगों ने पैसा 4 साल पहले देखा है, और ये जो जुत्ती पर रखकर पैसे वाली बात की है ना शबाना ने, ये जुत्ती पर रखकर पैसे वाली बात, कौन सी, कि स्वीटी को जुत्ती पर रखकर भी पैसे दो तो ये जुत्ती भी चाट जाए, तुम लोगों ने अपनी औकात इस डायलॉग से ही बता दी। और जो मेरे हावन पे बोहतान लगाया है ना कि अंबर के हाथ पकड़े, अंबर का हाथ, ये मेरे बहन है इसके सर की कसम, ये लास्ट फेब में जब घर आई है मेरे, तब मैंने बोला हाथ मिलाया, मैं कहा अंबर हाथ इतने हार्ड किए हुए हैं, मैं कहा इतनी ड्राइनेस, कोई क्रीम लगाओ इन पे, कोई मॉइस्चराइजर लगाओ, हाथ बहुत ड्राई हो गए हैं, ये देखो अंबर मेरे हाथ पे ड्राइनेस नहीं, अपने हाथ पे देखो, कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करवाओ, इस पे भी लोग कहेंगे तुमने क्यों कहा, मैंने ये बात बोली क्योंकि हाथ ड्राई थे, वो बात मेरे बहनोई, मैं मुंह ना तोड़ दूं किसी उस शख्स का जो मेरी बीवी का हाथ पकड़ के ये कहे तुम काली हो, मेरे बहनोई ने हाथ पकड़ के ये बात नहीं बोली थी। खैर ज्यादा बातें नहीं, छोटी बात, नेक्स्ट लाइफ हमारे पेरेंट्स के साथ होगी, छोटी बात, और आंटी इसको इज्जत पे बिठाएं, पूछ लें उससे, अल्लाह हाफिज। पहले 2 दफा तो बिठाया नहीं था, 1 दफा 2 दफा नहीं, 1 दफा, अब मम्मा पापा के साथ आएंगे। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अंबर से आपने पूछनी है, तो मंगनी वाले के साथ भी तो घूमती फिरती थी, घर आता था वो तो, हाँ
और वो मंगनी भी जाके गुड़िया बाजी तोड़ कर आई थी सामान इकट्ठा करके रिक्शे पे बैठ के। ये तक तो अंबर ने बताया वह कि मेरी पहली मंगनी गुड़िया बाजी ने तोड़ी थी, और जो गुड़िया का निकाय को इमरजेंसी करना पड़ा था जहाँ पे रेंट के घर पे ये लोग रहते थे, सब पता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पैसे के लिए शादी हो यार, पैसे के लिए शादी की होती मैं अंबर को ये कहता डिलीट कर यूट्यूब, मैं मना करता, बट अब दिल कर रहा है नशा देखूं यूट्यूब का होता क्या है। कंटेंट 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 कर रहे थे ना कंटेंट, अब बनाऊं कंटेंट, अब बताते हैं कंटेंट कहते किसे हैं। चलो इन्होंने कहा ना, इन्होंने तो हमारे साथ रिश्ता इसलिए किया क्योंकि इनको सब्सक्राइबर्स मिले, अबे हमारा तो इस्तेमाल किया गया है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा? नहीं हमने इसलिए इनसे रिश्ता किया था क्योंकि हमें कंटेंट मिले, अब हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, अब हमें कंटेंट मत दो, अब हमें सब्सक्राइबर्स भी चाहिए क्योंकि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। अरे अल्लाह मैं तो इतनी दुआएं कर रहा हूँ कि अब हमारा रिश्ता टूट गया, हर चीज ठीक हो जाए। क्या हो रहा है ये, क्या हमारे घर से सुकून बर्बाद था जिस दिन से ये निकाह जुड़ा था, लेकिन हम फिर भी यही बोलते थे लड़की इधर आएगी ना सब सेट हो जाए। मेरे आगे शर्त रख दी गई थी हैदराबाद आ जाओ, आई मीन कराची आ जाओ, कराची आ जाओ जस्ट सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। मुझे तो इसने पिछले महीने आई थिंक 19 तारीख को भी कह दिया था आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड करो, क्यों कोर्ट के पेपर भिजवाने। मैं कहा अंबर क्या हो गया है, मोहसिन भाई याद है एक्टिंग, कोई बात नहीं हमारी एक्टिंग आला ही सही। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे हक में वीडियो बनाई, चाहे बहुत कम लोग थे लेकिन उनको मैं इतना बोलूंगी। और एक चीज, इस वीडियो को किसी ने अगर यूज किया करने तो कटिंग वहां से करें जहां से होनी चाहिए, बात मत बिगाड़ना गलत कट्स बना के। अंबर के साथ अगर उसके माँ बाप की दुआएं हैं तो अल्लाह करे उसके और भी अच्छी जगह हो, लेकिन आगे भी चले बस जयला करे। आंटी ये इसको कहिएगा जहां पे आगे कहीं पे शादी कर रही है ना, उस लड़के को जहनी मरीज मत बनाए, और बस इतना ही है। और हम दोनों बहनों की बद्दुआएं हैं इंशाल्लाह, जिसने मुझे गालियां दी, मेरी बहन को गालियां दी, अल्लाह उसके आगे आएगा। और जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट ली थी ना, मुझे तो छबाना आगे लेकर आई थी, जिन जो लोग मेरी वजह से आज आगे आगे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं ना, वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई भी है उनको इस मैदान में लाकर, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने सांप पाले हैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बताने की कि मैंने सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। भोंको, तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई है, लेकिन मैं सच्ची थी, मैं खामोश रही, मैंने अपने भाई का घर बचाया, लेकिन फिर भी बाकी अभी पिक्चर्स में सब शेयर करती हूं। आप लोगों को हमारी एक्टिंग अच्छी लग रही है ना, क्योंकि हम नेचुरल हैं। असल एक्टिंग देखनी है तो उनकी जाके वो देख लो एक्टिंग कहां पे हो रही है, क्या हो रहा है ये, क्या जो सच्चे होते हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, जो सच्चे होते हैं। एक यार इनको उस लड़की को इतना ख्याल कर लेना चाहिए था, मेरा हामंद है उसको क्या अंबर, तुम्हें हर चीज नहीं पता थी, तुम्हें हर चीज नहीं पता थी, तुम सोच लेती कि किस हद तक ये हामंद है मेरा, किस हद तक ये मेरा हामंद है, और मेरे हामंद ने क्या क्या मेरी बात इग्नोर की हुई है, मेरे हामंद ने मुझे किस किस बात पे माफ किया हुआ है, मैं इसका साथ निभाऊं। और ये जो इनके पास जो ये बीज जमा लो जो है इस्तेमाल खुसरा छोड़ रहे हैं उसकी बात, इनके पास जो आईडीज है ना आयरन किया, इसकी ईंट की ईंट तो मैं, और मैं बताता हूं मैं तो इनके घर रह के आया हूं, मुझे नहीं पता कि एक मोबाइल में 8-8, 6-6 जीमेल्स लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता। ये मुंह खोले अब आए खेलते हैं, आज खेलते हैं। अब किसी की इज्जत अगर ऐसे नहीं उछालते ना तो जो हमारी, क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी, क्या मैं किसी की बहन नहीं थी,
बस मोहसिन वो बात मैंने बताओ। तुम लोगों के कहने पे अपनी बहन की इज्जत उछाली यहाँ बैठ के। मैं इतना पागल और ये मुझे पता है दिल से माफ नहीं कर पाएगी मुझे। मैंने तुम लोगों को खुश करने के लिए अपनी बहन को कहा, मेरी बहन ने घर खराब किया मेरा, मुझे पहले दिन से पता था। मैं कहता था अंबर तुम भी चुप, वो भी चुप, मैं उसको नहीं चुप करवा पा रहा। अंबर चुप, मैं इसको आगे कहता था, ये मुझे कहती थी वहां से कमेंट आ रहे हैं, मुझे पता होता था तुम लोगों के घर के कमेंट्स हैं, मैं फिर चुप हो जाता था। एंड पे मैंने ये नतीजा निकाला ना कि अंबर तुम्हें लग रहा है मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा, चलो मैं तुम्हें लेके अलग चलता हूं, अलग रखता हूं अंबर, मैं तुम्हें अलग रखता हूँ। इससे ज्यादा क्या करता, कत्ल कर देता, गोलियां मार देता। सानिया की दुनिया प्रूफ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी लिहाज कर रहे हैं। बहुत कुछ है, इज्जतें उछल जाएंगी। इन्होंने मेरी इज्जत तो उछाली, लेकिन मैं सच्ची थी ना, वो अल्लाह खुद ही जवाब दे देगा। लेकिन अगर हम प्रूफ दिखाने पे आए, खुदा की कसम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बस पिक्चर जरूर शादी किसकी शेयर करूंगी मैं। मेरे पास मुझे जो लोगों ने सेंड किए हैं बहुत से प्रूफ्स हैं। एक झलक दिखा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। बच्चे भी बैठे हो सकते हैं। नहीं वल्गैरिटी ना दिखा रहा हूँ, नहीं दिखानी। मैं पचैट से ऐसी, ओ नहीं यार, नहीं नहीं ऐसी चीजें नहीं दिखानी। किसी की इज्जत है, उनको तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं यार। जब कोई बैड कमेंट आता था ना तो ये कहते थे डिलीट नहीं करनी, डिलीट नहीं करना। लोग कमेंट्स देख के ना, जब तक कमेंट लिखते रहते हैं गंदा, तब तक वीडियो चलती रहती है, वॉच टाइम बनता है। पैसा कमाओ, इनका ये कहना है। गंदे कमेंट्स डिलीट नहीं करते, पैसा कमाओ लोगों। और अपने चैनल पे वो क्या फिल्टर लगाया होता है वो, जिसमें जो कुछ लिख दो, अगर मेरा नाम लिख दोगे तो वो कमेंट ही नहीं आएगा। इनके चैनल पे इसलिए पॉजिटिव कमेंट ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव वर्ड थाउजेंड्स की रेंज में इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, इसलिए सिर्फ आप लोगों को अच्छे कमेंट्स वहां शो होते हैं। इन्होंने कल मैविश को धमकियां दी हैं और यास्मीन आंटी को धमकियां। मुझे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट धमकियां दी हैं कि ये देखो ये लोगों को अपनी तरफ करते कैसे हैं। मैं आपको वो सुनाता हूँ, यास्मीन आंटी की इतनी तबीयत खराब। एक मिनट यार चुप, एक मिनट सुनो। मैविश मैं यही कहना चाहूंगी तुमसे कि अंबर का बड़ा मसला चल रहा है। ये सुना, एक मिनट, ये लोगों को कैसे अपनी साइड पे लेती हैं वो सुनो। स्वीटी को यार ये कैसे होगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। एक मिनट, तो किस बात का होता है कि मैंने आपको इतना, मैंने मोहब्बत करी आप मोहब्बत। मैं भी इसमें यही कहना चाहूंगी तुमसे कि अंबर का इतना बड़ा मसला चल रहा है और तुम जो है ना स्वीटी को कमेंट्स करके उसकी हौसला अफजाई कर रही है, मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने जब देखा। तो खैर तुम कुछ भी कमेंट्स करो, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, आपको पूरा इख्तियार है, मगर मुझे बड़ा दुख हुआ तुम हैदराबाद की होके एक लड़की होके और एक लड़की हो जो है ना इस तरह की कमेंट्स कर रही हो। मुझे बड़ा दुख हुआ तुम हैदराबाद की होके तुम लड़की होके ऐसे कमेंट्स कर रही हो, इंसाफ ना करे बस लड़की देख के शुरू हो जाए। मैं तो किसी को नहीं कहती कि तुमने उनकी साइड क्यों ली। मैं आखिरी बात, इसके बाद ये बंद होगी, ठीक है। आखिरी बात अंबर, मैंने तेरा बहुत साथ दी है, मैं तुझे लेके पाकिस्तान से निकल रहा था, मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं हर चीज संभाल सकता हूं, मेरे में इतने गट्स थे मैं हर चीज कर सकता था। मैंने तुम्हें वार्निंग दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अंबर को कभी यह बातें नहीं बताई, मुझे क्या क्या कुछ पता है। मियां बीवी हैं, खामोश रहो। उस दिन लास्ट टाइम मैंने कुछ दो तीन पॉइंट सेंड करके बोला, अंबर मैं तुम्हारी हर गलती माफ करता हूं, रिश्ता बचाओ, रिश्ता बचाओ। मोहसिन ये जरा वॉइस मैसेज पूरा सुना दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हो, ठीक हो, तबीयत कैसी है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हो, ठीक हो, तबीयत कैसी है? यार मेरी बात सुनो, देखो सुबह आए हैं मुझे शबाना आंटी के ना मैसेजेस, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से ही समझाती थी ये लोग रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मरहल तुमने सुनाने दो वो यार, उसकी परमिशन है। हाँ परमिशन है, परमिशन है, बहुत रिस्पेक्ट थी। और तुम मुझे भी हमेशा यही समझाती थी
कि इनको रिस्पेक्ट दो बहरहाल ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं थे। और मैं तुम्हें उनके वॉइस मैसेजेस सेंड कर देती हूँ, आप उनके वॉइस मैसेजेस सुन लें। ये अभी भी मुझे कह रही हैं, मतलब मैसेजेस के जरिए ऐसा लग रहा है वो अपनी तरफ करना चाह रही हैं, वो अभी भी यही तुम्हें ही बुरा भला कहते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया कि नहीं, वो तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे साथ सही नहीं है, पर तुम नहीं समझती थी। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हैं, बंद करो यार, ये कौन लोग हैं जो अभी भी झूठा झूठा कह रहे हैं इतना कुछ देखने के बाद। मुनाफिक, चलो बस बंद करो। और अंबर, कोशिश बहुत की मैंने, अब पकड़ होगी, मैं पकड़ूंगा इन्हें इंशाल्लाह, मैं पकड़ूंगा जो हमें झूठा कह रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी बददुआ है क्योंकि मैंने बहुत सबर किया पिछले 6 महीने से कि इनके आगे ये जवाब दें। अब जवाब जो आप खेलते हैं आ जाओ। और मुझे अंबर ने एक धमकी दी थी, अल्लाह की कसम अंबर ने मुझे कहा था मैं इसमें खुरा के डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजूंगी, मैं तुम लोगों पे फ्रॉड का केस करूंगी, इनका बाप भी नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी, इनका बाप भी नहीं कर सकता, मैं देखो तुम लोगों का हाल क्या करूंगी, मैं तुम लोगों को ऐसा कोर्ट में घसीटूंगी। मैं हैदराबाद का बंदा हूं, मुझे पता है इनका बाप भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं 50 कमेंट करती थी, मैं 50 नहीं, मैं 100 कमेंट भी करती थी शबाना के, अल्लाह हाफिज, एक मिनट, एक मिनट, लानत, चिराग के नीचे अंधेरा, चिराग भी वो जो आर्टिफिशियल बना हुआ है, इसको कपड़े धोना सिखाएं, इसको तो कपड़े धुले डालने नहीं आते सुखाने के लिए, इसको तो चाय के कप में चाय नहीं डालनी आती, मैं आंखों से क्या देख के नहीं आया, सिर्फ दो बजे तो इसकी भाभी बेचारी इसको नाश्ता देती है उठ के। भाभी के बारे में क्या बोला था, छोड़ दो यार, छोड़ दो, इसकी थोड़ी सी तरबियत करके फिर किसी अच्छी जगह रिश्ता कीजिएगा। अब मेरा अल्लाह मालिक, आज जवाब दें, फिर नेक्स्ट जवाब आपको मेरी तरफ से मिलेगा। अल्लाह हाफिज, बंद करें, अब आएगा कंटेंट, बंद करें, आप पता चलेगा यूट्यूब। और मैंने क्यों कल ये बात बोली कि बाहर इसका नहीं जाना बनता था, आप अपनी बेटी से पूछें, पहले भी बाहर भागती रही है ना, इस दफा इसका घर बैठना बनता था। कोमल मैडम जो कह रही है ना, इस लोगों की बद्दुआ नहीं लगती, जब लगेगी तो पता लगेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।